हम लोग आए हैं बहरिया फेज 7 में, मैंडानोज। कोई नई जगह होगी या पुरानी होगी, मुझे तो पता भी नहीं होता कि कहाँ पे क्या चीज़ खुल रही है। बहरहाल, वी आर ऑफरिंग सहरी बुफे, वी आर गोइंग टू ट्राई इट आउट। ऊपर है नीचे? ऊपर है, यहाँ पे। ओके, ये लोग ऑफर कर रहे हैं इफ्तार डिनर बुफे इफ्तार। कहीं लिखा हुआ तो नहीं है सहरी का, मगर चले सहरी बुफे। आपके यहाँ सहरी बुफे? हाँ, सामने का। लेट्स चेक आउट द मेन्यू। यहाँ पे है अचार, दही, चीज़, ऑमलेट, बॉयल्ड एग। ये क्या है, आलू की सब्ज़ी? आलू की सब्ज़ी है। और ये मटर कीमा, एंड दिस इज लाहौरी चने, और मलवारी पराठे। और मुझे नज़र आ रहा है वहाँ पे गरम गरम पूरियाँ बन रही हैं। हम पहले लोग हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं आज की सहरी। अच्छा, चले ठीक है, थैंक यू। ये अज्जू की प्लेट है, इसमें मटर कीमा था, अब सिर्फ बटर रह गए हैं। कोई ख़ास वजह जो आप परहेज कर रही, अवॉइड कर रही हैं मटरों को? एंटी वेजिटेरियन। ओके, ख़त्म, ये मुझसे भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। इवेंचुअली मैंने सोचा है कि ये बस उनसे ब्रेड मंगवा लिया मैंने, और ये तकरीबन चीज़ ऑमलेट है, इसके अलावा कुछ। और वो रही मेरी लस्सी, वो जो मैंने बड़ा पोस्ट किया था ना, लस्सी फ्रॉम हेवन, बस इससे ज़्यादा नहीं, हिम्मत नहीं हो रही। मत आइएगा यहाँ, मैंने एक्साइटमेंट में लिख दिया था लस्सी फ्रॉम हेवन। इन्होंने माहौल शाहौल तो अच्छा ही रखा हुआ है, डेकोर शिकोर सफाई सुथराई सब कुछ ठीक ठाक ही है, मगर बस मेरे ख्याल से कह रहे थे कि हमारी स्पेशलिटी जो है वो ये वाला खाना नहीं है। इनका जो रेगुलर खाना है वो क्रीम और चीज़ी होता है। इनकी तारीफ़ सुनी थी अज्जू ने, तो हमें यकीन है। मेरे ख्याल से आई एम टू क्विक टू जज, वैसे सहरी के लिए शायद ना आए आप, मगर ये है कि रेगुलर खाना इनका होपफुली अच्छा होगा, जो इनकी स्पेशलिटी है, जो मैनेजर मुझे बता रहे हैं।